अयोध्या में आयोजित श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुपौल जिले के ग्रामीण इलाकों में भी खुशी का माहौल है। आलम यह है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों को सजाया और संवारा गया है। 24 घंटे राम धुनी सह कीर्तन का आयोजन कर माहौल को भक्तिमय बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिवेणीगंज प्रखंड के महेशवा पंचायत अंतर्गत गमहरपुर गाँव में बजरंग बली स्थान में भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर 24 घंटे के अष्टयाम सह कीर्तन का आयोजन किया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी हर्ष है। लोगों ने बताया कि 500 वर्षों के बाद भी रामलाल अयोध्या लौट रहे हैं, लिहाजा इस अवसर पर लोग अपने अपने घर और गांव में खुशी मना रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे मोदी सरकार ने जो किया है 500 वर्ष का जो बाद ये बात हुआ है, जो आज राम जन्म जी का कल प्राण प्रतिष्ठा है, उसके उद्घाटन उसके शुभ अवसर पर हम लोग बाबा बजरंग बली के प्रांगण में ग्राम गंभीरपुर में इसका जो है उद्घाटन कर रहे हैं। सर यहाँ पे हो रहा है कि अयोध्या जी में जो राम मंदिर का उपलक्ष्य चल रहा है, उसी उमंग में यहाँ का समाज ग्रामीण सब युवक मिल के हम लोग ये मनाना चाहते हैं, जो 500 साल का सपना था वो हमारा साकार होने के लिए जा रहा है। इसलिए हम लोग उस उधम माधम में आज अष्टयाम का प्रोग्राम यहाँ पे रख रहे हैं। इंतजाम हो रहा है यहाँ यहाँ जो हो रहा है, पूरे ग्रामीण मिल करके अपना जितना बुजुर्ग और नाजुवक है सबको मिला करके राम का जो अयोध्या जी में जो मंदिर चल रहा है, उसी के कारण हम लोग खुशी मना रहे हैं। 500 बरस का जो सपना था वो आज हम लोग को पूरा हो 22 तारीख को जी काम भ रहा है। अष्टयाम भगत ये सब भ रहा है। कौन चीज का उपलक्ष्य? यही कि अयोध्या हमारे समाज और यहाँ के हमारे मंदिर के कमेटी हैं, जितने नवयुवक हैं, उन सबका उद्देश्य यही है कि कल अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उनके उपलक्ष्य में यहाँ हम उनके राम नाम के गुणगान का जो है आज 24 घंटे का अष्टयाम शुरू करने जा रहे हैं।